होश हुआ मुझे जनाब वाला थोड़े दिन पहले एक लीडर साहब, ओ जी मैंने हज की है, ओ जी मैंने नमाज पढ़ी, ओ जी मैंने कुरान पढ़ा, मैं इतने साल से नमाजी और तेरी गंदी गलीज खलक जो सियासत है उसका कुरान से क्या लेना देना। बदतमीज लीडरों होश में आओ, अपनी लीडरियां करो, गंदी सियासतें करो, लेकिन तुम्हारा कुरान से कोई लेना देना नहीं है। सियासत में कुरान, नमाज, हज, ज़कात, इसका सहारा लेने लगे, अब यही बची तुम्हारे लिए। मुबारक उन लोगों को है जो आज के दौर में पांच वक्ता नमाजी गए, बदन पे उनके इस्लामी लिबास है, चेहरे पे दाढ़ियां हैं, जनाबे वाला सर से लेके पैरों तक सुन्नत रसूल नजर आती गए, और अमल जनाब वाला कोई कुछ भी हो, कम से कम देखने से तो लगता है कि 1400 साल के बाद भी रसूल अल्लाह का गुलाम जिंदा है। कम से कम इंसान की शक्ल सूरत तो ऐसी होनी चाहिए ना, तवज्जो है ना आपकी। तो मैं अर्ज कर रहा था, रब्बे कदीर फरमाता है खौफे खुदा, अल्लाह का डर, इसमें अजर ज्यादा है। क्यों? जब ये होता है ना खौफे खुदा अल्लाह का डर, झूठी कसमें बंदा नहीं खाता है, नमाजें नहीं छोड़ता, किसी का हक नहीं खाता, जुल्म ज़ियादती नहीं करता।